नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में पोलिंग पार्टियां स्मृति उपवन पहुंची, जहां से चौथे चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चौथे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। स्मृति उपवन तमाम पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं। चौथे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पीलीभीत में जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है, जिसको लेकर नवीन मंडी स्थल पर बने स्ट्रांग रूम से सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिले की चारों सीटों के लिए कुल 969 मतदान केंद्र और 1635 बूथ बनाए गए हैं। जिले को 14 जोन और 106 सेक्टर्स में बांटा गया है। इतने ही जोनल और सेक्ट्रेट मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। जनपद में चौथे चरण में मतदान हो रहा है, यानी कि 23 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा, जिसके लिए अभी हम इस समय मौके पर मौजूद हैं नवीन मंडी स्थल पर। आप तस्वीरों साफ तौर से देख सकते हैं, पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं अपने गंतव्य के लिए, अपने बूथों के लिए। आपको बता दें, तस्वीरें ये पोलिंग पार्टियों की हैं। ये तमाम इस समय नवीन मंडी स्थल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरों साफ तौर से देख रहे हैं कि यहाँ से जो पोलिंग पार्टियाँ हैं, जो कार्मिक हैं, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जनपद में 969 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 1635 बूथ यहां पर बनाए गए हैं और जनपद को 14 जोन 106 सेक्टरों में यहां पर बांटा गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 55 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स की यहां पर तैनात की गई है। 10 कंपनी यहां पर पीएससी की यहां पर तैनात की गई है। अब कल जो है 23 फरवरी को यहां पर मतदान होगा। पीलीभीत से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए प्रांत गुप्ता। एक तो समय की प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक मतदान का समय रहेगा। दूसरा, कुछ मतदाताओं में भ्रम होता है, मेरे पास भी कई फोन आ रहे थे कि हमारा आधार कार्ड नहीं है तो हम वोट कैसे डालें। तो आयोग ने 12 फोटो आईडी कार्ड अलाउ करे हैं। आप में से, आप इनमें से कोई भी आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो वो आप लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आधार ही लाना है। आधार उसमें से पहला ऑप्शन है, एक ऑप्शन आधार है। उसके सिवा मनरेगा का जॉब कार्ड है, उसको लेके भी आ सकते हैं। बैंक या डाकघर द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पासबुक, फोटो जरूर हो उसमें। इसी तरह श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय का होता है, इसमें फोटो होती है। ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें फोटो होती है। फोटो युक्त पैन कार्ड हो गया आपका। एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, यानी फोटो आईडी, जो इस तरह की किसी भी सरकार या कंपनी ने इशू करे हैं। सहारनपुर के सदर थाना बाजार के हकीकत नगर में हमेशा चर्चाओं में रहने वाले अंजू सहगल अस्पताल में नर्सिंग होम में एक 7 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते महिला की जान गई है। मृतका का पति फौज में है। उनका कहना है कि आरोपी डॉक्टर उन्हें लगातार गलत बयानबाजी करने के साथ ही उन्हें मरीज से मिलने नहीं दे रहे थे। गलत ऑपरेशन के चलते इलाज के दौरान महिला की जान चली गई है। मेरी घरवाली यहाँ 3 दिन से एडमिट है, मैं फौज में ड्यूटी था। अच्छा। कल इसने ऑपरेशन किया उसका, मतलब ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया, बच्चा एडमिट है। और मैं सुबह आया ड्यूटी से, बोला भाई क्या है, बोला या बोली कि नॉर्मल है मरीज। मैं बोला छुट्टी कर दो, नहीं नॉर्मल है इसकी, मगर बोल तो रही 3 दिन से बोल नहीं रही है, इसे अभी एक्सपायर होगी, बोले इसको उठा ले जाओ यहाँ से, दूसरी जगह ले जाओ। कारण क्या हुआ है, क्या मतलब क्या कारण हुआ जो मृत्यु हुई है? पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, उल्टा सीधा में तो पता नहीं लगता, गलत दवाई दी इसने। सर घटना हुई, मैं 3 दिन पहले अपनी भाभी यहाँ एडमिट की थी, उन्हें कोई समस्या नहीं थी, उन्हें थोड़ा उल्टी और उसकी वह थी, तो इन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 7 महीने का बच्चा था, तत्काल वो उठा दिया, वो अस्पताल में एडमिट है। सुबह रात भर में इनको ढूंढता रहा कि भाभी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, डॉक्टर ने कोई मरीज कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया। सुबह हम सब यहाँ ढूंढने के लिए ढूंढ रहे थे, कोई भी यहाँ नहीं मिला। जब हमने पूछा कि मरीज की हालात क्या है, बोला सही है, मरीज नॉर्मल है। मैं बाहर दवा लेने के लिए बाहर गया हुआ था, तो जैसे ही मैं वहाँ पर आया तो बोले इसकी तो मृत्यु होगी, इसको उठा ले जाओ, इन्होंने बोला है। आप क्या चाहते हैं? सर हमें इंसाफ चाहिए, हम इसे
आपको क्या लगता है कि मैं डॉक्टर के लापरवाही है? हाँ सर, डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दिया सर। बलरामपुर के देहात थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक जानवरों से खेत की रखवाली करने गया था। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बसे गांव मुड़िया के जंगल में स्थित पाठक ऑयल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। इस फैक्ट्री में तारपीन का तेल बनाया जाता है। आग से फैक्ट्री का बॉयलर और वहां रखा 50,000 लीटर तेल जल गया। बरेली के अलावा उत्तराखंड से भी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। दोनों प्रदेशों की पुलिस भी मुस्तैद रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ में सुरक्षित मतदान के लिए हर बूथ पर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं बूथ के लिए सुरक्षाकर्मी बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि महिला सुरक्षाकर्मी पर्याप्त संख्या में तैयार रहेंगी। इसी के साथ ही हर 5 मिनट में पुलिस वाहन हर बूथ पर चक्कर लगाएंगे। लखनऊ में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये प्रयास किया जा रहा है कि निष्पक्ष रूप से बिना किसी डर के लोग आकर वोट डाल सकें और किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व चुनाव को प्रभावित करने की चेष्टा ना कर सकें। आज यहाँ स्मृति उपवन जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से सभी पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। पोलिंग पार्टियाँ जो रवाना हो रही हैं उनके साथ बूथ पर रखने वाली पुलिस फोर्स भी रवाना हो रही है। ये लोग आज अपने अपने पोलिंग के मतदान केंद्रों पर जाकर वहाँ पर सेटल होंगे, वहाँ पर ही रात में रुकेंगे जिससे कि सुबह 7 बजे सही समय से वहाँ पर मतदान प्रारंभ हो सके। मानकों के आधार पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। एक बूथ वाले मतदान केंद्र, 2 बूथ वाले, 3 बूथ वाले, 18 बूथ वाले मतदान केंद्र, 20 बूथ वाले मतदान केंद्र, सब पे उसी अनुपात में पुलिस बल भी लगाया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम आधा सेक्शन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में काम न करने का आरोप लगाकर महिला सफाईकर्मी से अभद्रता की गई, जिसके बाद पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। वहीं महिला सफाईकर्मी के साथ हुई अभद्रता के चलते सभी सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के कायस्थपट्टी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं इस दौरान प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता प्रमोद सिंह बघेल ने स्थानीय लोगों का समीकरण जानने की कोशिश की। इस दौरान क्या कहा लोगों ने, आप भी सुनिए। आज माननीय अमित शाह जी भी आए थे और यहाँ जानते हैं क्या है माहौल और पार हो गई थी। माननीय गृह मंत्री जी बहुत खुशी हो गए रानीगढ़ से और निश्चित है उन्होंने आशीर्वाद भी दिया हमको बहुत ज्यादा और रानीगढ़ की जनता को भी आशीर्वाद दिया और निश्चित रानीगढ़ की जनता ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि हम लोग रानीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर देख रहे हैं और अपार भीड़ आज भी हम भी नहीं पहले तो हम नहीं सोचे लेकिन इतनी भीड़ हो गई विशाल जन सैलाब रानीगढ़ कर रहा है। मैं रानीगंज की जनता को बहुत बधाई देता हूँ जो किसान पुत्र को बहुत मन में कुछ होगा पता चलेगा बाद में मतलब धीरज ओझा कैबिनेट मंत्री भाई कुछ कह के गए हैं बड़े आदमी उसमें उनकी कुछ सोच है वही मंत्री का मामला है वाला जी कृपा सभा बनाई थी आपको सेवा करना है और सेवा करके हमको राजीव काम और करना है भी जनता का प्यार गुलाल हमको मिल रहा है। राजीव के बारे में जो भी काम बाकी है उसको भी काम करना है जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसके लिए खरा उतरा दिखती है। 1 लाख पार निश्चित 1 लाख पार है जन सलाब मैंने देखकर जो मैंने नारा दिया था पूरा
रानीगंज की जनता धीरज ओझा को फिर से चाहती है। हाँ पूरा 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 भारतीय जनता पार्टी अपना का निशान पार्टी तीनों में चुनाव लड़ रही है और एक लाख से पार्टी तन मन धन। आप बताइए क्या माहौल है? नंबर एक धीरज ओझा इस वर्ष तो और ज्यादा कम कम एक लाख पार के बाद विधायक बनेंगे और माँ बाला की कृपा से इस बार वो मंत्री बालाजी की कृपा से और धीरज ओझा जैसा कोई विधायक है नहीं। आप दो शपथ लेंगे, एक विधायक का एक मंत्री पद। आप बताइए क्या मतलब आम आदमी के लिए भैया आप साइड में हो धीरज भैया जिंदा। आप बताइए आप धीरज ओझा जैसा कोई विधायक ही नहीं है भाई। हाँ और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, मुझे ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे को डर भैया। तो अपने ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। और
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाओं के बीच बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए से अलग होने का विचार कर रहे हैं। वो इस पर जल्द फैसला ले सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार से पिछले दिनों मुलाकात हुई। साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार सभी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उनको आश्चर्य होता है, तब तो प्रशांत से मेरा रिश्ता आज का है, तो जब हमारी तबीयत बीच में खराब हुई तो कई बार वो फोन किया था। आज जब हम दिल्ली गया था मिलने के लिए, कोई बात नहीं, राजनैतिक बात नहीं है, हम तो दिल्ली में ही कह दिए। और खैर हम ही से बात होती है, आप लोगों को मालूम, हम कभी जानते हैं जिससे जिससे रिश्ता रहता है, भले ही राजनीतिक संबंध नहीं हो, व्यक्तिगत जो संबंध रहता मिलता ही नहीं है, और उसका रिश्ता अन्य पार्टी के नेताओं के साथ नहीं है, हम आपको क्या बतावे। तो सब लोगों से बात होती है लेकिन कोई राजनीतिक बात नहीं है। नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो कोई किसी के बारे में जानना चाहेगा ना भाई, तो उसमें कौन सी ऐसी बात थी। हम भी इस बार कोरोना के पीड़ित हो गए थे, इसकी खबर गई तो स्वाभाविक हम फोन करेगा। और हम दिल्ली जब गए, कह रहा था कि हम दिल्ली तो आ रहे, हमको जाना ही था, तो दिल्ली में मुलाकात हुई, फिर हम गए, तो उसमें क्या बातचीत थी। राजनीति अपनी जगह पर है लेकिन व्यक्तिगत संपर्क और संबंध तो पुराना होता है। राजनीतिक अलग होने के बाद भी आदमी एक दूसरे से बात करता है, संपर्क करता है, लेकिन इन सब चीज़ों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों का मतलब सीधे सीधी है, व्यक्तिगत आपका चीज़ है, विचार किसी का कुछ भी हो, इच्छा कुछ भी हो, वो अपनी जगह पर है, उससे इसका कोई संबंध नहीं। उत्तराखंड के चंपावत में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा सोमवार देर रात को हुआ है। जिले के एसडीएम रोड पर बूडम के पास बारात में शामिल एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा। कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद ने बताया कि सूखी डांग रीठा साहिब रोड पर वाहन के खाई में गिरने से 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि यह वाहन बारात में शामिल था और देर रात बारात से वापस लौट रहा था। आने वाली होली के त्योहार पर देशवासियों को महंगाई का जोरदार झटका लगने वाला है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध के आसार के चलते कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। मंगलवार को कच्चे तेल के दाम $97 प्रति बैरल के पार जा पहुंचा है और जल्द ही इसके $100 तक छूने की संभावना जताई जा रही है। और एक बार फिर से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर देखने को मिला, जहां पर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी निवर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बता दें कि एफआईआर राणा प्रताप सिंह स्टेटिक मजिस्ट्रेट भूमि संरक्षण अधिकारी सिद्धार्थनगर की तहरीर पर दर्ज की गई। बता दें कि 19 फरवरी को राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डुमरियागंज के पिंडारी मुस्तहकम गाँव में अपने चुनावी भाषण में अल्पसंख्यक और हिंदू जनमानस के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। अच्छा बताओ ये गांव क्या जयचंद है, क्या टू है, हमें बताया दो, ठीक है, करिए हम बनवाई करिए, उनके रंगवा हम टेस्ट कराए, उनके खोलवा टेस्ट कराए कि ओरिजिनल हिंदू हो कि कोई मियां खोला। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव बिहारगढ़ में एक युवक को जूते से पीटने और प्रधानपति की तरफ से एक युवक के गले में मफलर डालकर घसीटने का वीडियो वायरल हुआ है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में एक युवती ने प्रधानपति और उसके फूफा पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए भेजा है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी सहित दो लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इन दिनों ये वीडियो
मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार आक्रोश जो है देखने के लिए मिल रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में आज एक वीडियो वायरल हुआ है थाना भोपा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके अंदर एक युवक की दो लोगों के द्वारा मारपिटाई करी जा रही है। इसमें अवगत कराना है कि दोनों ही लोगों को, जिसमें से एक उसी गांव के प्रधान का पति है और उसके साथ एक व्यक्ति और है, दोनों ही गांव बिहारगढ़ थाना भोपा क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों को घटना के तत्काल बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए पुलिस अन्य कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। फिरोजाबाद के गांव गाजीपुर के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि युवक एचडीएफसी बैंक फिरोजाबाद में फील्ड ऑफिसर के पद पर था, जो अपनी बाइक से ड्यूटी खत्म करके घर के लिए जा रहा था। इसी दौरान गाजीपुर ईटभट्टा के पास घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यार नौकरी करता था एचडीएफसी यहाँ से जा रहा था आशावासी पल्ली तरफ कलई भट्टा गाजीपुर का वहाँ पर गोली मार दी किसी ने और पुलिस से जे कहा कहते डॉक्टर वाक्टर ने बहुत लापरवाही करी है। सीतापुर में विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। बस में सवार 17 सीआईएसएफ के जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को सीएससी हर गांव में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बस में कुल 39 जवान सवार थे, जिनमें से 17 जवान घायल हुए हैं। महोबा में वैवाहिक कार्यक्रम की रस्में कर लौट रहे तेज वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गए। वहीं घटना में दूल्हे के फौजी भाई की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूल्हा दुल्हन सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद झांसी मेडिकल के लिए रेफर किया गया है। नीरज खत्म हो गया और धीरज और दीपा गंभीर रूप से घायल है। अच्छा, सब एक ही परिवार के थे? जी सर, एक ही परिवार के थे। अच्छा, जो खत्म हुआ वो पेशे से क्या थे? जी सर, क्या करते थे वो? वो सर आर्मी में थे, अभी छुट्टी पे आए थे। अच्छा, तो उनकी बेटी की शादी थी? ये नहीं, उनके भाई की, बड़े भाई की शादी थी। भाई की शादी थी, वैवाहिक कार्यक्रम करने गए थे? जी सर। कहाँ गए थे ये लोग? सर चित्रकूट गए थे। किस लिए? सर हाथी लगाने के लिए, तो वापसी आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया महोबा के पास। कुशीनगर के पडरौना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि देश की जनता मजहबी तुष्टिकरण को बर्दाश्त नहीं करती, देश की जनता विकास को पसंद करती है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री को पसंद करती है, जो सबके साथ मिलकर विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ, पश्चिम में ही अखिलेश यादव जी और अन्य पार्टियों की हार हो चुकी है। मोदी जी की प्रेरणा में, योगी जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है जो अद्भुत हुआ है, इसलिए हम योगी जी की सरकार बननी चाहिए और मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।